दुकान देख के आपको समझ तो आ गया होगा कि आज जो है वो चाय बन रही है ना, और बाकी वो क्या है ऑलरेडी लिखा हुआ है टाइटल, उसी पे क्लिक करके आप आए हैं। तो मैं फिर बोलूं कि नमस्कार, मैं हूं आइस बरार, और सॉरी रणवीर बरार, आज बनाएंगे आइस टी, कोई फ़ायदा नहीं उसका, है ना। गर्मियों का टाइम और इस बार जो है ये कहा जा रहा है गर्मियाँ बहुत घनघोर पड़ने वाली हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए। और उसकी तैयारी में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको आइस टी की रेसिपी भी मालूम होनी चाहिए, इसलिए इस बार की गर्मियों में अपनी आइस टी की रेसिपी रेडी कर लीजिए। और इस बार जो रेसिपी मैं बता रहा हूँ वो मतलब सिंपल नहीं, बहुत सिंपल है, और ऐसी है कि एक बार बने तो हफ्ता भर कुछ ना हो उसको, बल्कि एक्चुअली बड़े बड़े टेस्टी होती जाए। म्यूजिक के बाद कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी आइस टी बनाने के लिए हमको चाहिए टी, है ना। और इतनी सारी टी देख के डरिए मत, आपको चाहिए जो घर पे आप जो रोज रोज चाय इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे दूध वाली चाय बनती है वही वाली टी, वहां से आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी चायों के बारे में मैं इसलिए बताना चाहता हूँ बिकॉज कई बार हम चाय की दुकान पर जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता कि इसको कैसे बनाएं उसको कैसे बनाएं। तो आइस टी सिर्फ काली चाय से नहीं बल्कि ग्रीन टी विन टी सबसे बन सकती है, वो कैसे बनाते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। मेन मुद्दा है घर की काली चाय से कैसे बनाएं आइस टी, वो भी तीन तरह। देखिए क्या है ना कि सौंफ शरीर को ठंडक देती है, राइट, मिंट भी शरीर को ठंडक देता है, और जो काली मिर्च है उसको बैलेंस कर लेती है हल्की सी गर्मी से। और काली मिर्च वैसे भी गर्मियों में खास तौर से हमारे लिए बहुत अच्छी होती है बिकॉज पर्स्पिरेशन में हेल्प करती है, बीपी वगैरह कंट्रोल करती है। थोड़ा सा डाल दीजिए उसका एसेंस आ जाएगा लेकिन फ्लेवर नहीं आएगा। अब इसके बाद इसको उबालना है, और जैसे ही दो उबाले आएंगे उसके बाद इसमें शक्कर ऐड करनी है। चाय को जब पानी गर्म हो रहा हो लेकिन खोले ना तब डालना चाहिए ताकि धीरे धीरे चाय अपने फ्लेवर्स ऑलरेडी छोड़ना शुरू कर दे। एकदम से खोलते खोलते पानी में डालने से चाय जल जाती है, कभी भी चाय पकाएं या ध्यान रखें। और इसमें 10 चम्मच शक्कर जो है वो बिंदास डाली है मैंने। इसके बाद ये जाएगा ठंडा होने। देखिए ये ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग है लेकिन हमको ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग चाहिए क्योंकि बाद में जितनी चाय है उसमें उतनी बर्फ़ चली जाएगी तो अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मीठा भी ज़्यादा चाहिए, चाय पत्ती भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, ये स्ट्रांग होना चाहिए। अब इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए डाल दीजिए, फ्रिज में डाल दीजिए, कहीं भी डाल दीजिए, आपकी श्रद्धा है। अब क्योंकि मेरा मन कर रहा है मैं आपको उलोंग का एक ग्रीन टी या वाइट टी का भी फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये सब ड्रामेबाजी छोड़ देते हैं ताकि आप बोलेंगे रणवीर हमारे पास ये नहीं है हम कैसे बनाएंगे। ये लीजिए, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए पारदर्शी है, आप अपने घर का जग यूज़ कर सकते हैं। एक बेसिक रूल ये है कि जब पानी खोल जाए तो पानी खोलने के एक मिनट बाद आप उसको उलोंग टी में डाल दें, और पानी खोलने के बाद 1.5 मिनट तक उसको बाहर रखें, फिर उसको ग्रीन टी में डाल दें 1.5 से 2 मिनट छोड़ के। पानी का खोलना इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से 100 डिग्री पे आ गया फिर उसके बाद आप टेम्परेचर कम करते हैं, जब टेम्परेचर कम होता है तो फिर उस हिसाब से चाय डिसाइड हो जाती है। मेरा मकसद यह है कि आपको ब्रूइंग दिखा दूं, फिर ये ठंडी भी हो जाएगी, जब ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं आपको इसकी भी एक उलोंग आइस टी और एक ग्रीन टी की भी आइस टी दिखा दूंगा, क्योंकि क्या है कि लगे हाथ ये भी सही ना, अब एक बार आइस टी को टच करना है तो ढंग से टच करें ना, मतलब छू के छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं ना। वैसे भी सब लोगों ने बदनाम तो कर ही रखा है कि रणवीर की रेसिपी बहुत लंबी होती हैं, तो जब लंबी कर ही रहे हैं हम तो प्रॉपरली लंबी करें, आपको एक के बजाय 3 चीज़ें सिखा दें। कई बार हम लोग क्या करते हैं ग्रीन टी लेते हैं और ग्रीन टी को जैसे हम लोग ब्लैक टी होती है ना तो वो गर्म पानी में डाल के उसको उबाल लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हम लोग कहते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन नहीं होता होता ग्रीन टी का, फर्मेंटेशन नहीं हुआ होता, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो गर्म टेम्परेचर पर मर जाते हैं। तो इसलिए कभी भी पानी को खला के उसके अंदर ग्रीन टी को ना पकाएं जैसे कि हम ब्लैक टी को पकाते हैं। देखिए अगर सेहत की बात करें तो चाय का जो मकसद है वो अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देना है तो ग्रीन टी है, लेकिन मेरे हिसाब से ऊलोंग टी सबसे अच्छी इसलिए होती क्योंकि उसमें दोनों काली चाय के भी और हरी चाय के यानी ग्रीन टी का भी फायदा होता है। ऊलोंग और ग्रीन टी को अगर आप फ्रिज में ओवरनाइट छोड़ेंगे तो सुबह तक पत्ती के साथ में जो बढ़िया सा मिश्रण बनेगा उसमें फ्लेवर होगा, स्ट्रेंथ होगी और सेहत होगी, राइट। तो इसको फ्रिज में डाल देते हैं और फिर उसके बाद मुलाकात करते हैं अलग अलग आइस टी के साथ, पीच आइस टी, वाटरमेलन आइस टी, लेमन आइस टी, मिंट आइस टी, ग्रीन टी आइस टी, सब हनी एंड ग्रीन टी। We'll be right back.
अब बात करते हैं अलग किस्म की चाय की। दुकान पर जाके कंफ्यूज क्यों होना, और अगर आपको काली चाय की आइस टी नहीं चाहिए तो और क्या क्या आइस टी बन सकते हैं वो बताया था ना। जब बिल्कुल चाय के पत्ते पे रंग भी नहीं आता, वो सफ़ेद होते हैं ना बिल्कुल यंग पत्ते, तो उससे बनती है वाइट टी, फिर बनती है ग्रीन टी, और उसके बाद अगर चाय को फर्मेंट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन पूरा फर्मेंट है ऑक्सीडाइज नहीं करते, तो बनती है उलोंग टी, और चाय को बराबर से फर्मेंट करके बनती है हमारी एकदम नशे वाली ब्लैक टी। ठीक है, जितना आपका चाय का रंग गाढ़ा होगा उसको उतना लंबा समय और उतना ज़्यादा पानी का तापमान लगेगा। यानी कि अगर वाइट है तो सबसे कम समय और सबसे कम पानी का तापमान 75 डिग्री में हो जाएगा, ग्रीन है 80-85, उलोंग है 90-95, और ब्लैक टी है तो खौलता हुआ उबलता हुआ 100 डिग्री वाला पानी आप डाल सकते हैं। तो यानी कि जितनी गाढ़ी चाय उतना स्ट्रॉन्ग उसका ब्रूइंग का मेथड, राइट। अब आपको तीनों तरह की चाय समझ में आ गई, ग्रीन, उलोंग और ब्लैक। अब ये समझते हैं कि उनकी आइस टी कैसे बनानी है। मेन क्या है, अपन ब्लैक टी की आइस टी बनाएंगे। आपको एक डेमो के लिए मैं ग्रीन टी की आइस टी भी दिखा दूंगा, फर्क कोई नहीं है। चाय में बर्फ डालना इज इक्वल टू आइस टी और कुछ नहीं। बेसिकली अंग्रेजों को गर्मियों में जब चाय की तलब लगती थी तो फिर वो क्या करते थे, फिर वो बर्फ़ डाल के चाय पी लेते थे, उसी को आइस टी कहते थे और है कुछ नहीं। ठीक है, सबसे कॉमन जो दो आइस टी हैं पहले वो बनाते हैं। पहली आइस टी है लेमन आइस टी, है ना, जिसमें मिंट विंट जाता है, तो वो लेमन मिंट आइस टी पहले बनाते हैं। मिंट, शुगर और लेमन को ऐसे मडल कर लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है ये तो बड़ा झंझट वाला काम है, हमारे पास ये नहीं है, इसको मडलर बोलते हैं, तो लेडल है, स्पैचला है, उसके पीछे का हिस्सा ले सकते हैं आप। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे पास ये नहीं है, हम नहीं बनाएंगे, हमारे पास वो नहीं है, वो बहानों का टाइम अब गया। गिलास को बर्फ़ से भर दीजिए। देखिए मिंट को कायदे से डालने का जो तरीका है वो ये, इससे मिंट के जो फ्लेवर्स है ना वो एकदम से रिलीज होते हैं। अब अगली आइस टी जो हम बनाने वाले हैं वो है पीच आइस टी। ठीक है, पीच बहुत मिलते हैं गर्मियों में, तो पीच ले लीजिए। पीच नहीं मिलते हैं तो आड़ू मिलते हैं ना, एप्रिकॉट, एप्रिकॉट ले लीजिए, उसकी भी अच्छी बनती है आइस टी। और इसमें कुछ नहीं डालना, मिंट विंट डालेंगे तो मज़ा ख़राब हो जाएगा। इसमें सिर्फ थोड़ा सा नींबू टेस्ट के लिए, खटास के लिए। ऑरेंज डाल सकते हैं, ऑरेंज बहुत अच्छा लगता है आइस टी में। ऑरेंज का जूस, ऑरेंज के सेगमेंट्स मिंट के साथ या फिर जिंजर के साथ। हल्की सी खटास जो है ना आइस टी में कंपलसरी होती है, चाहे कोई भी आइस टी हो, चाहे पीच आइस टी हो, चाहे लेमन आइस टी हो, थोड़ी सी खटास इसलिए कंपलसरी होती है बिकॉज काली चाय जो है ना उसकी कड़वाहट मारने के लिए खट्टा चाहिए होता है, तो इसलिए थोड़ी सी कड़वाहट हमेशा डाल दीजिए। पहले जिंजर को मडल कर लिया, उसका फ्लेवर निकाल लिया है ना। मडल करते समय हल्की सी शक्कर डालना बेटर है, उससे जो है घर्षण मिल जाता है। और ये सब आप जग में भी कर सकते हैं जब पूरे परिवार के लिए बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि रणवीर ने बोला है गिलास बाय गिलास बनानी तो गिलास बाय गिलास बन रही, पूरा जग भी बना सकते हैं परिवार के लिए। अब इसमें डालेंगे हनी, क्योंकि ग्रीन टी में हमने बिल्कुल शक्कर नहीं डाली ना, क्योंकि ग्रीन टी हम पकाते नहीं है ना, इसलिए शक्कर पकेगी नहीं अगर शक्कर डाली तो।
आइस टी तो भैया ऐसे बननी चाहिए पूरे परिवार की एक साथ, ठीक है ना। ये गई पीच आइस टी और हमारी बनी हुई चाय। अब इमेजिन करिए बाहर गर्मी ने जो है ना वो फट्टे चक रखे हैं, मतलब बहुत गर्मी हो रखी है, और आपने घर पे ऐसे चाय जो है वो ब्रू करके रखी हुई है। आपने फ्रिज से चाय निकाली, थोड़ा नींबू डाला, थोड़ी बर्फ डाली, थोड़ा मिंट डाला और ऐसे करके पी ली। अगर गर्मी भागने गई ना तो हम मूछें मुंडवा लेंगे। सच में मजे की बनी है, सबको बुलाओ, ऐसे मैं ही पी जाऊंगा। बट वो सब तो पी लेंगे, आप बनाइएगा जरूर, पिएगा जरूर। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ग्रीन टी वाली बनानी है ग्रीन टी वाली बनाइए, ब्लैक टी वाली बनानी है ब्लैक टी बनाइए। वाटरमेलन आइस टी आ गई है आपको, सब्जा सीड के साथ आइस टी आ गई है, वो आपको पीच वाली आ गई है, लेमन वाली आ गई, सब कुछ आ गया आपके पास। बाकी मजे हमको आए हैं। मजा आया है सच में। देखिए पता नहीं इधर डर के मारे बोल रहे हैं मजा आया, लेकिन आप डर के मारे मत बोलना, सच में बोलना मजा आया, बिकॉज मजा बड़ा आया। दूसरी चीज, ये लोग बोल रहे हैं अगली बार कोल्ड कॉफी पीनी है, कोल्ड कॉफी बना चुके हैं एक बार 5 तरह की। अगर आपको भी कोल्ड कॉफी पीनी है वापस से तो 3 तरह की और बना दूंगा, जरा नीचे कॉमेंट में लिख दीजिएगा। बाकी गॉड इज ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, प्लीज डू सब्सक्राइब, थैंक यू। सच में आया ना मजा।